हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, आप Amazon Flipkart पे एक HP का वेब कैमरा है वो देख पा रहे होंगे। HP का वेब कैमरा W100 कैमरा Flipkart या Amazon पे आप देख पा रहे हो। तो इस कैमरे को खरीदने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें कि ये कैमरा जो है वो आपके लायक है या नहीं है, यानी आप इसको यूज में ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, इसकी जो क्वालिटी क्या है, सारा का सारा वो मैं इस वीडियो के अंदर वो स्टेप बाय स्टेप वो डिस्कस करने वाला हूँ। इसकी क्वालिटी क्या है, इसके अंदर क्या क्या हमें फ्यूचर मिलने वाले हैं, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर वो बताने वाला हूँ। तो बताने से पहले मैं इसको थोड़ा सा अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा दूं कि इसके अंदर आपको मिलने वाला क्या क्या है। ये एक मैनुअली डायरी मिलने वाली है जिससे आप सारा सब कुछ है वो सीख सकते हो कि क्या कैसे कनेक्ट करना है, क्या नहीं करना है। तो सारी चीजें मिल जाएगी इसके अंदर, और माइक इस कैमरे के अंदर ही आपको इनबिल्ट मिलेगा। तो ये कैमरा है, आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आपको फोक्स वाला एक सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो वॉल्यूम टाइप से कुछ दिखाई दे रहा होगा। इससे क्या होता है, आप जो इमेज है उस पर वो फोकस कर सकते हो। कैमरा है वो पूरा ऊपर से रोटेड है, जबकि 360 डिग्री पूरा रोटेड नहीं है, ध्यान में रहे, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर नीचे इस तरीके से हो सकता है, और इस तरीके से आप इसको पूरा घुमा सकते हो जैसे चाहो वैसे, और फोकस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली अपने यूएसबी के अंदर प्लग इन करना है, ये माइक मिल जाता है इसके अंदर ही। अब आपको लैपटॉप में कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। खरीदने से पहले आप देख लें कि आपके ये लाइक है या नहीं है। तो चलिए दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले लैपटॉप पे इस कैमरे को वो सेट कर देता हूँ। तो मैंने लैपटॉप पे इस कैमरे को लगा दिया। लगाने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, तो लगाने के बाद आपको करना क्या, देखिए सिंपली इसको यहाँ पे आपको यूएसबी वाले पोर्ट के अंदर सिंपली कैमरे को वो लगा देना है। तो मैंने यूएसबी वाले के अंदर कैमरा लगा दिया, और ये जो ऑक्स केबल आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस ऑक्स केबल को आप माइक के जरिए यूज में ले सकते हो। इसके अंदर माइक भी आपको इनबिल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैमरा कनेक्ट हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी किस तरीके से आपको मिलने वाली है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ कैमरे की क्वालिटी है वो किस तरीके की है। तो ये जो आप कैमरा देख पा रहे हो, ये मेरे लैपटॉप का कैमरा है जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो मेरी इमेज आ रही है, ये लैपटॉप के कैमरे से आ रही है। अब मैं एचपी वाले कैमरे को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने ये एचपी वाला कैमरा है वो सेलेक्ट कर लिया। इसकी क्वालिटी आप देख पा रहे हो, मैं इसको ऊपर डाउन कैसे भी कर सकता हूँ। अब मैं इसके यहाँ पे ऊपर एक बटन दिखाई दे रहा होगा, देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। कैमरे के ऊपर एक बटन है, तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये कैमरे के ऊपर आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, इससे आप फोकस कर सकते हो। देखो मैं इसको जैसे कंट्रोल करता हूँ तो मेरी इमेज है वो ब्लर हो रही है, दिख रही है ना आपको लैपटॉप के अंदर, ठीक है। अब मैं जैसे इसको सही से घुमा के इस साइड से ले रहा हूँ तो मेरी इमेज है वो क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये क्वालिटी आपको इसके अंदर है वो मिल पा रही है, जो आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो। मैं इस क्वालिटी को ज्यादा बेटर भी नहीं बोलूंगा और ज्यादा खराब भी नहीं बोलूंगा, ठीक ठीक क्वालिटी है, बट इतना क्लियर नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो कि आपको इससे बेस्ट पिक्चर है वो मिल जाएगी। तो ज्यादा बढ़िया क्वालिटी नहीं है, आप देख पा रहे हो। एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीन के अंदर दिखा दूं कि आप जो क्वालिटी देख पा रहे हो, इस तरीके की आपको इस कैमरे के अंदर क्वालिटी मिलने वाली है। आप ई मित्र के लिए खरीद रहे हो या अपने ब्लॉग बनाने के लिए खरीद रहे हो, किसी भी तरीके से खरीद रहे हो, तो पहले क्वालिटी देख लेना इस तरीके की क्वालिटी है। अगर आपको इससे बेटर क्वालिटी चाहिए तो ये कैमरा है वो बिल्कुल ना खरीदे, और ये क्वालिटी आपके लिए इनफ है तो आप ये कैमरा है वो जरूर खरीद सकते हो। ज्यादा बढ़िया क्वालिटी नहीं है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस कैमरे के अंदर आपको कहीं भी इस कैमरे को ऑफ करने का कंट्रोल है वो नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे सीधा प्लग इन किया, कैमरा स्टार्ट है। जैसे आप गूगल क्रोम में या कोई भी ऐसा ब्राउज यूज करते हो जिसके अंदर आपके बैकग्राउंड में भी कैमरा है वो चलता रहता है, तो उस तरीके से ये कैमरा किसी भी तरीके से ऑफ नहीं होने वाला है। ये कैमरा वैसे ही चलता रहता है जिस तरीके से कंटिन्यू चलने वाला है। जो भी ब्राउज है बैकग्राउंड में चलते हैं कैमरे, तो ये भी बैकग्राउंड में वो ऑन रहता है। तो कैमरे को खरीदने से पहले आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया है, अब आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजीली वो कैमरा खरीद सकते हो। आप इस अगर कैमरे से सर्टिफाइड हो तो ज्यादा बेटर क्वालिटी नहीं है, एचडी के अंदर ये कैमरा नहीं है, ये 720 के अंदर ही आपको मिलने वाला है। तो देख लेना, अगर आपको बढ़िया क्वालिटी लगे तो खरीद लेना, बाकी मैं बोलूंगा नहीं तो ज्यादा बढ़िया नहीं ज्यादा खराब है, बीच वाली क्वालिटी इस कैमरे के अंदर आपको मिलने वाली है। तो कोई अदर वीडियो देख के आप इस कैमरे को खरीद मत लेना, जो रियलिटी है वो मैंने आपको स्क्रीन के अंदर भी दिखा दी है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।